लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम बात करते हैं कोटा तहसील, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा ने, जो वर्तमान सांसद रहे हैं, इन्होंने 5 साल के अंतर्गत क्या विकास कार्य कराए गए हैं, ये जानते हैं हम आज के मतदाताओं से। उसके क्या नाम है आपका? देवीलाल लखारा, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटड़ा। हमने, हमारे अर्जुन जी ने सांसद काल में रहते हुए अनेकों विकास करवाया, जिसमें 58E का सड़क निर्माण कार्य करवाया, जो फोर लेन जुड़वाया, 927 रूपये से रतलाम का करवाया, पाड़ा खदरा मामेर डैम की स्वीकृति दिलाई, फॉरेस्ट से NOC दिलवाई, उसका निर्माण कार्य करवाया, 30 गांव झाड़ोल के विधानसभा क्षेत्र में मानसी वाकल योजना की परियोजना का सैंक्शन करवाई, अनेकों विकास करवाए, निम्न विकास करवाए, पानी की समस्या को देखते हुए पानी के टैंकर हर पंचायत में उपलब्ध करवाए, इसी प्रकार झाड़ोल विधानसभा के अंदर कोटड़ा के कई गांवों में अनेक विकास करवाए, सामुदायिक भवन दिए हैं, हेडपंप दिए हैं, ट्यूबवेल दिए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी को छोड़ी नहीं है। बिल्कुल, आज अभी चलते हैं हम ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, क्या नाम है आपका? कय्यूम खान, देहात जिला कांग्रेस कमेटी कोटड़ा। अर्जुन जी द्वारा 5 साल में विकास कार्य जो कराए गए, उनके बारे में क्या? जो मेरे साथी बता रहे थे कि इतने अर्जुन जी ने कार्य किए हैं, जो भी सैंक्शन हुई, जो जैसे रतलाम वाला रोड या दूसरे जितने भी हैंडपम्प, ये सब बेकार की बातें हैं, ये नहीं हुए। ये सीपी जोशी जब हमारे यहाँ पे सड़क मंत्री थे, उन्होंने ये करवाए। हमारे जो सांसद रघुवीर जी मीणा रहे, उन्होंने यहाँ आदिवासी भाइयों की जो लाशें सड़ जाती थी, उस लाशों को सड़े नहीं और उनकी प्रिजर्व रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मोर्चरी के अंदर 3 ट्रे ऐसी दी जिससे कभी भी आदिवासी भाइयों की वो नहीं होती है। मामेर क्षेत्र में काफी सामुदायिक भवन दिए। सबसे बड़ा काम जो दिया, पूरी अशोक गहलोत की कैबिनेट यहाँ बुलाई और कैबिनेट बुला के जो भी कोटड़ा क्षेत्र के लोगों की समस्या थी उसको 100% सुना और पूरा किया। कोई भी ऐसा वादा नहीं जो पूरा नहीं किया। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या नाम आपका? तुलसीराम प्रजापत, कपड़े का व्यवसायी। हमारे अर्जुन जी ने यहाँ कोटड़ा का अच्छा विकास किया है और पानी की हमारे को आज से 10 साल पहले इतनी समस्या थी और अर्जुन जी के आने पे हमारे को कोटड़ा में बिल्कुल पेयजल की कोई दिक्कत नहीं है और इधर से साधन है हमारे से जो रोडवेज बस है उदयपुर से अबू रोड से जो स्वरूपगंज और खेरवाड़ा की चालू कराई है, हमारे अर्जुन जी ने ये चालू कराई है और इन्होंने जो काम किया है सराहनीय, अर्जुन जी का काम हमें पसंद है और दोबारा अर्जुन जी की जीत की उम्मीद करते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। अभी मोहम्मद इमरान, कांग्रेस कार्यकर्ता। हाँ जी, अभी जैसा अर्जुन जी द्वारा कराए गए कौन कौन से विकास कार्य? अर्जुन जी ने 5 साल में पेयजल में, जैसे हमारे कांग्रेस के टाइम में जोगियार जो डैम है वो भी कांग्रेस के टाइम बना है, सामरबित्ती जो डैम है वो भी जो कांग्रेस के टाइम बना है। अर्जुन जी ने 5 साल में एक भी कोई डैम, एक भी कोई हेडपम्प या एक भी कोई कुआ इस इनके शासन में नहीं बनवाया है। और टैंकर जो भेजे हैं लास्ट में वो भी उनके फोटो लगाकर और प्रचार के लिए भेजे गए हैं, जो भी है उसका टैंकर का कोई भी फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, वो अपने अपने सरपंच सब लेके बैठे हैं। जुल्फिकार अली, CBS ब्लॉक अध्यक्ष कोटड़ा। ये जो बोल रहे हैं कि अर्जुन जी ने करा, अर्जुन जी ने, हमने तो 5 साल में उनको दर्शन ही नहीं हुए और बाकी विकास कार्य कोई नहीं किया। सड़कें देख लो आप, और जो पानी का काम किया वो हमारे अशोक जी गहलोत ने किया, उनके सिर्फ झूठे वादे हैं और जुमलेबाजी की सरकार है ये। किस प्रकार से हमारे कोटड़ा के मतदाताओं ने 5 साल में अर्जुन द्वारा कराई गई विकास कार्यों की समीक्षा आपके सामने रखी? नारायण वडेरा, सर्कल न्यूज, कोटड़ा, उदयपुर।